क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चंस को देखेंगे और देख के बताएंगे कि इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉग से रिलेटेड है, तो इसे सबसे पहले करना होगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स। अब इसे सीधे सीधे हम लोग लॉग के हेल्प से लिखते रहें, तो e टू द पावर x log x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स और ये log x हो जाएगा। अब इसे इजीली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल राइट हियर dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x log x प्लस वन बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x log x log x प्लस वन बाई एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x प्लस वन बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स log x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसे अब करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये तो यही हो जाएगा, e टू द पावर x log x प्लस वन बाई एक्स इंटू, ये देखिए इसको ध्यान से, तो u इंटू वी लग जाएगा। तो करने वाले क्या हैं, log x प्लस वन बाई एक्स को रख दिए और x का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, फिर x को रख दिए log x प्लस वन बाई एक्स का करेंगे तो क्या होगा, वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। और x का जब करेंगे तो वन, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह सब इस टर्म को हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, ये होगा e टू द पावर x प्लस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर वहाँ पे है u इंटू वी, लॉग एक्स को रख दिए x प्लस वन बाई एक्स का करेंगे तो होगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस वन बाई एक्स को रहने दिए और ये हो जाएगा वन बाई एक्स। देखिए इस पूरे टर्म को हटाकर हम लोग सिर्फ लिख देंगे इस टर्म को, क्या है ना x प्लस वन बाई एक्स टू द पावर x, ये क्या हो गया log x प्लस वन बाई एक्स। अच्छा इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस ऊपर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। देखिए इस पूरे को हटा कर क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो टर्म आप देख रहे हैं एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, सो एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये क्या होगा यहाँ से log x एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और क्या होगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स। इसे लिख दे रहे हैं ठीक से, x प्लस वन बाई एक्स टू द पावर x log x प्लस वन बाई एक्स, यहाँ से क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको लॉग एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन
बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस।